पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की, जहां पर टीएमसी कार्यकर्ता की पिटाई का वीडियो सामने आया है। टीएमसी कार्यकर्ता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। संदेश खाली से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। लोकसभा चुनाव से पहले संदेश खाली में एक बार फिर तनाव जैसे हालात तब देखने को मिले जब गांव की महिलाओं ने रौद्र रूप धारण कर टीएमसी वर्कर की पिटाई कर दी। टीएमसी वर्कर की पिटाई के इस वीडियो को देखिए। गुस्से से भरी महिलाएं टीएमसी वर्कर के पीछे दौड़ रही होती हैं। इस दौरान महिलाएं उस कार्यकर्ता को पकड़ लेती हैं और उसकी जोरदार धुनाई कर देती हैं। वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ महिलाओं की भीड़ एक शख्स के पीछे भाग रही है और जब उसे सब मिलकर पकड़ लेते हैं तो पहले तो उसे जमकर पीटते हैं, फिर उसके कपड़े भी फाड़ देते हैं। महिलाओं का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता उनके फर्जी वीडियो बना रहे थे। महिलाओं के साथ मौजूद भीड़ ने टीएमसी कार्यकर्ता को बुरी तरह पीटने के बाद संदेश खाली थाने का घेराव भी किया और कहा जा रहा है कि इस दौरान महिलाओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने यह हमला टीएमसी विधायक सुकुमार महतो के सहयोगी तातन गायन पर किया। लोगों का कहना है कि रविवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संदेश खाली थाने के सामने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद टीएमसी के इशारे पर प्रदर्शनकारी लोगों को डकैती के झूठे आरोप में फंसाकर गिरफ्तार किया गया, जिससे इलाके में एक बार फिर टीएमसी के खिलाफ गुस्सा भड़का हुआ है।